नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गोलाघाट स्थित अम्मा जी मंदिर में जगत गुरु रामानुजाचार्य की 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टेचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है और इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस धराधाम पर 120 सालों बाद रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बता दें कि सीएम योगी के इस दौरान हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्रा को नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को लेखपाल को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन देने वाले थे। वहीं आज के कार्यक्रम में सीएम योगी रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे और इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी सीएम योगी की एक बैठक प्रस्तावित है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं, कौन कौन से कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, देखिए योगेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर सुबह उन्होंने अपने एक निर्धारित कार्यक्रम में जो है हिस्सा लिया। वहां पे मूर्ति जो है उसका माल्यार्पण किया और वहां पर उसका शिलान्यास करते हुए माल्यार्पण किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 120 साल लग गए इस मूर्ति को लगने में रामानुजाचार्य की, जो पहले ही लग जानी चाहिए थी लेकिन वो अब लग रही है। इस सरकार में इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, भगवान राम की जन्म स्थली जो हिंदुस्तान रही वहां पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुत्व को जो है कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे अपने भाषण के दौरान केंद्र में रखा और इसीलिए वो जाने जाते हैं। इसके अलावा अब जो है इसके बाद उनकी एक दूसरी बैठक होनी है, जिसमें वो दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर बैठक करेंगे। दीपावली पर जिस तरीके से हर साल सरकार जो है अयोध्या में एक भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन करती है, तो उसको लेकर इस बार भी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं और उसी तैयारियों को लेकर आज वो समीक्षा बैठक करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने दिए जलाए जाएंगे उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से कार्यक्रम को पूरा खास बनाया जाएगा, किस तरीके से उसका प्रसारण होगा, लेजर लाइट शो के जो आयोजन होते हैं वो किस तरीके से होंगे, उनमें क्या कुछ चीजें इस बार जो है वो दिखाई जाएंगी, लोगों के लिए आकर्षण का क्या केंद्र बने। इसके अलावा अन्य लोगों से भी जो वहाँ के जनप्रतिनिधि उनसे भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। उसके बाद में देर शाम उनकी लखनऊ को वापसी होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम आज एक दूसरी सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का रहने वाला है, जिसमें अब से कुछ देर बाद जो है वो समीक्षा कार्यक्रम में जो है वो जुड़ेंगे, जिसमें दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल प्रियम, दीपोत्सव का अगर जिक्र करें तो बेहद कम समय बचा हुआ है दीपावली का और ऐसे में मुझे लगता है कि वहां तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। इस बार कितने दियों का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि प्रत्येक दीपावली के जब दीपोत्सव महोत्सव मनाया जाता है तो दिए जलाने का एक लक्ष्य रखा जाता है, इस बार क्या कुछ लक्ष्य है? बिल्कुल, देखिए इस बार का क्या कुछ लक्ष्य है वो अभी निर्धारित नहीं हुआ है, उस लक्ष्य को निर्धारित किया जा रहा है, उसी के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। और क्या कुछ खास रहेगा, गोबर के जो दिए बनाए जाते हैं उसको लेकर भी होगा कि क्या इको फ्रेंडली किस तरीके से मैसेज देने का पूरा प्रयास हो, जो विभाग है संबंधित विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई, इन सभी चीजों को लेकर आज समीक्षा बैठक जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन सभी चीजों पे कार्यक्रम को जो है वो तय किया जाएगा कि क्या कुछ पूरा प्लान है, उसमें किस तरीके से उसको भव्यता दी जाएगी। चूंकि अगर आप देखें पिछले जितने भी दीपोत्सव के कार्यक्रम हुए उसमें लगातार संख्या में सरकार की तरफ से इजाफा किया गया है, बड़े संख्या में जो है वो दिए खरीदे गए हैं। एक इसके जरिए एक तरफ जहां हिंदुत्व को कहीं ना कहीं रंग देने की कोशिश है, वही दूसरी और जो इस कह सकते हैं कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कुम्हार वर्ग के लोग हों, तो उनको किस तरीके से रोजगार मिले, ODOP योजना जिस तरीके सरकार चला रही, तो उसके जरिए एक ये भी मैसेज देने का प्रयास है कि सभी को साथ में लेकर चला जाए, उनको भी रोजगार मिले, जो चीजें आधुनिकता के साथ में कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में लुप्त होती जा रही या फिर कम होती जा रही, तो उनको कैसे धार मिले, उनको कैसे मार्केट के अंदर उसी तरीके से जीवित रखा जाए, तो इन सभी चीजों को लेकर ये पूरा प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और इसीलिए दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है वो हर साल आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में दिए जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं, आसपास के जिलों के जितने भी कुम्हार हैं उनसे उनको दिए के ऑर्डर दिए जाते हैं। तो इस बार भी पूरा लक्ष्य है कि जो पिछले बार रिकॉर्ड थे उनको तोड़ा जाए और दीपकों की जो संख्या है उसमें बड़ा इजाफा किया जाए, और कहीं ना कहीं इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज ये समीक्षा बैठक रखी गई है। बिल्कुल, एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं आज, और सबसे बड़ी बात प्रियम के इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों की दी हुई शिक्षा पर हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से महाकालेश्वर जो महाकाल का जो अभी जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचे, वहां पर उन्होंने
भव्य कॉरिडोर था उसका उद्घाटन किया, उसके पहले काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, केदारनाथ का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने की दिशा में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल है, और साफ तौर पर उन्होंने यह भी कही कि अब भारत नए दिशा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल योगेश, साफ तौर पर देखिए आज जो कार्यक्रम रहा उसमें जो उनका संबोधन रहा उसमें पूरा सुनो तो उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि हमको हिंदुस्तान में जन्म लेने का अवसर मिला है, भगवान श्री राम की धरती है वहां पे जन्म लेने का अवसर मिला है। तो एक हिंदुत्व का मैसेज देने का पूरा प्रयास है। जिस तरीके से आप देखें केवल यही नहीं, 2024 के लिहाज से भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तैयारियों में संगठन और सरकार जो है वो जुटी हुई है, और उसी का एक प्रारूप एक स्वरूप जो है वो कह सकते हैं आज के भी इस भाषण में देखने को मिला है, जिसके जरिए साफ तौर पर यह प्रयास है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाए। और जिस छवि के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं हिंदुत्व को लेकर, तो उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए साफ तौर पर एक पूरी कवायद कह सकते हैं, और आज साफ तौर पर वही भाषण में भी देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय प्रोग्राम अयोध्या का है और किस तरीके से उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत किया। और उधर गोरखपुर की बड़हल नगर पंचायत की सीमा में 7 गांवों को जोड़े जाने का मामला सामने है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में 10 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। म्युनिसिपल एक्ट के नियमों का पालन नहीं किए जाने का कारण बताया गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में 10 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। म्युनिसिपल एक्ट के नियमों का पालन नहीं किए जाने की वजह से ये रद्द किया गया है, और ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। जस्टिस मनोज गुप्ता और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। ग्राम प्रधान सुजीत और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई हुई है, और हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। गोरखपुर के बड़हल नगर पंचायत की सीमा में 7 गांवों को जोड़े जाने का ये मामला है, जो कि हाईकोर्ट ने जिस मामले पर सुनवाई की है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में 10 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। ग्राम प्रधान सुजीत और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी, जिस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर के बड़हल नगर पंचायत की सीमा में 7 गांवों को जोड़े जाने का यह मामला है, और अधिसूचना जारी की गई थी सरकार की तरफ से जिसे रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। यह बड़ा फैसला लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शोएब, क्या कुछ पूरा मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है? आप कह सकते हैं अकबर अहमद डंपी के लिए, क्योंकि ये पूरा मामला रमाकांत और अकबर अहमद डंपी चुनाव के दौरान इन दोनों के बीच फायरिंग हुई थी, और इसी मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और निचली अदालत में इनको राहत नहीं मिली थी। जो एमपी एमएलए कोर्ट है उससे इनको राहत नहीं मिली थी, और ये हाईकोर्ट आए थे। इन पर चूंकि इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका था तो इनके पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकी गिरफ्तारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब। फिरोजाबाद में मजदूरी कर गांव लौट रहे मजदूर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मजदूर की पहचान जसराना थाना क्षेत्र के गांव उतरारा के रूप में हुई है। वहीं मजदूर की मौत की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं डॉग स्क्वाड टीम बुलाकर हमलावर की पहचान करने का काम जारी है। देखिए, उतरारा निवासी महेश जी थे, आज शिकवाबाद से काम करके अपने घर वापस जा रहे थे। इनके ऊपर हमला हुआ है गांव से जस्ट पहले सड़क पे ही, और ऐसा प्रतीत होता है कि गोली लगने के बाद इनकी मौत हो गई है। हम लोगों ने यहाँ से डेड बॉडी मोर्चरी भेज दिया है, पीएमओ की कार्रवाई की जा रही है। बाकी हम लोग को उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग क्लू मिले हैं, और कुछ लोगों के व्यक्तियों के नाम हमारे सामने।
सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी से सटे दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव की सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी होने से ग्रामीणों के आवागमन के लिए नाव लगाई गई है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते हुए अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों के हमारे संवाददाता राकेश यादव ने जायजा लिया। दिनों लगातार हुए बारिश की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में सैकड़ों गांव में पानी घुस चुका है बाढ़ का और नदियां उफान पे हैं। जलस्तर नदियों का बढ़ गया है। नेपाली नदियों के कंटेक्ट होने की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में तबाही मचा रखा है बाढ़ ने। सैकड़ों गांव में पानी घुस गया है बाढ़ का, जहां लोग अब सुरक्षित स्थान पर रहने को मजबूर हैं, अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं। वहीं मौके पर जिलाधिकारी भी पहुँच रहे हैं, गाँव का जायजा ले रहे हैं। उनका कहना कि 30 गाँव मैरुंड भी हो चुके हैं, तो मैरुंड गाँव में चारों तरफ से पानी घिर चुका है और लोगों से नाव के सहारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में नदियों का जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा कि बाढ़ से लोग तबाह हैं। यहाँ के लोग, उनका कहना है कि हम लोगों को अभी तक कोई सुविधा भी नहीं मिली है, ना ही कोई राहत सामग्री मिली है। लेकिन वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि अब राहत सामग्री लोगों को मिलेगा। जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके घर जाकर वो राहत सामग्री पहुँचाएंगे और आला अधिकारियों को भी लगा रखा है कि गाँव का भ्रमण करते रहें, कहीं कटान ना हो। तो ये नेपाली नदियों के इससे कांटेक्ट होने की वजह से जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ पूरी चारों तरफ फैल चुकी है और लोग परेशान हैं, सुरक्षित स्थान पे जाके अपना बसर कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के ललितपुर में शिक्षा के मंदिर में 2 प्रधानाचार्य के आपसी विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समिति द्वारा तैनात प्रधानाचार्य सूर्य बलि प्रसाद ने शासन द्वारा बनाए गए प्रभारी प्रधानाचार्य वेद प्रकाश सिंह को थप्पड़ मार दिया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बता दें कि ये मामला उग्र कोतवाली महरौनी के शांति निकेतन इंटर कॉलेज का है। दो प्रधानाचार्यों में विवाद हुआ, आपस में विवाद हुआ और उसके बाद अब ये विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर से खबर सामने आई है जहां पर 2 प्रधानाचार्यों में विवाद हुआ है और विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डीआईएस ने मुझे आदेश किया नहीं है तो नहीं है, हम नहीं करेंगे। आप जो करना हो सो कर लो, नहीं करना है। हम व्यवस्था कैसे देखेंगे जो है। हम मैं शांति निकेतन का पढ़ना चाह रहा हूँ। इतने लेटर आ गए आप, ठीक है भेजो लेटर। प्रधानाचार्यों में आपसी विवाद देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं 2 प्रधानाचार्य, और जबकि पीछे छात्र भी आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानाचार्य आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंगलवार को शाम चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ घर में धावा बोलकर बहन को गोलियों से भून डाला। भाई के हाथ में तमंचा देख जाने बचाने के लिए आपको बता दें कि लोग आगे बढ़े। वहीं हत्या की वारदात से लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसने शव को कब्जे में लेकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने पुलिस की टीमें भी लगाई हैं। हमीरपुर के राठ कस्बे की छोटी जुलहेटी मोहाल में हत्या की यह वारदात मंगलवार शाम हुई है।
पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम हीर उर्फ शाहनाज है, उसको एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर थाना पुलिस ने तत्काल पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया और साथ ही प्रारंभिक जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उससे ये पता चला कि उक्त मृतक महिला के चाचा के बेटे जिसका नाम रोशन पठान है, उसने उक्त महिला के अपनी बहन के पति से प्रेम प्रसंग होने के कारण द्वेष भावना से उक्त महिला की गोली मारकर हत्या की है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर कलयुगी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की है। महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस जांच में अब जुटी हुई है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इटौंजा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। क्रम में पता चला है कि श्यामू रावत जो है ये नशे का आदी था और यहाँ से 4 अक्टूबर को ये अम्बाला गया था। वहाँ से ये कल शाम को वापस आया है, तब से ये लगातार शराब का सेवन कर रहा था। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पत्नी से विवाद क्यों हुआ, क्योंकि इस अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभी नशे में है। लेकिन गांव वालों ने और परिजनों ने पूछताछ में बताया कि यह शाम को ही नशे में होकर के कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को मार डालूंगा। बरेली में प्रसिद्ध बड़े बाग हनुमान मंदिर में एक युवा के चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि वो अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में घुसा था। उसने मंदिर में चढ़े रुपए चुराए थे, लेकिन इस दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई कर दी। वहीं पकड़े जाने पर उसने अपना नाम रोहित बताया, लेकिन सख्ती के बाद उसकी असलियत सबके सामने आ गई है। वो रोहित नहीं बल्कि मोहम्मद जुबैर निकला। लोगों ने युवक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आज थाना प्रेमनगर स्थित बड़ा बाग के हनुमान मंदिर में पब्लिक द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो अपना नाम रोहित बता रहा था। उसने जो भगवान का दान पात्र होता है उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए थे। जनता द्वारा पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसका असली नाम सुबीर है, जो कि थाना सिरौली का रहने वाला है। इसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसज्जन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 380, 506, 511 और 295 ई में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाए। के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी गोस्वामी हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ ये पूरा चोरी का मामला है? मंदिर में बताया जा रहा है कि एक युवक घुसा और वो उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बरेली के बड़े बाग हनुमान मंदिर का मामला है। जहाँ पर आपको बता दें, जहाँ पे एक मंदिर में रखा हुआ दान पात्र था, जहाँ पे एक युवक आता है, दान पात्र में रखे हुए रुपए निकालने लगता है। जब मंदिर के कुछ कमेटी के लोग आते हैं, वो उस युवक को पूछते हैं कि आप कौन हो, कौन दान पात्र खोल रहे हो, तो फिर वो अपना नाम रोहित बताने लगता है और कहता है उसे पैसे की जरूरत है और उसे दिल्ली जाना है। जिसको लेकर जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ लोगों को संदेह होता है कि ये युवक अपना नाम गलत बता रहा है। फिर कुछ लोग उससे कहते हैं इसका नाम गलत है, अपनी आईडी दिखाओ। आईडी दिखाने को मना करता है। जब उसका मोबाइल निकाल के उसकी मेल चेक की जाती है तो उसका नाम मोहम्मद जुबैर निकलता है। जब मोहम्मद जुबैर नाम निकलता रहता है तो मामला काफी गमगीन हो जाता है। दो धर्म का मामला होने के लिए दो मामला जब होता है तो काफी गमगीन हो जाता है। जिसको लेकर वो काफी हाथ जोड़कर माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे बहुत जरूरत थी पैसों को। जिसको लेकर पुलिस के पास जाते हैं और उसे पकड़ा के थाने ले जाते हैं। बिल्कुल सनी, क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल करके आया है? युवक ने बताया कि बहुत जरूरत थी उसे पैसे की। क्या जरूरत थी, क्या पूछताछ में उसने कुछ बताया? पूछताछ में उसने यही बताया, अभी तक की जानकारी है उसमें पूछताछ में यही बताया था कि उसे बहुत जरूरत थी और जरूरत पैसों के साथ में वो दिल्ली जाना चाह रहा था किसी काम को लेकर। जिसको लेकर जब पुलिस से जब शिकायत की गई है, जब लिखित शिकायत की गई है, तो एसपी सिटी का कहना है, तो पुलिस अधिकारी का कहना है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्दी युवक को जेल भेज दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सनी। उधर कुशीनगर के कसिया थाना के कसिया नगर में बाजार करने निकले आरिफ नाम के सिपाही पर चाकू से हमला कर दिया गया है। सिपाही पर सरेआम हुए हमले में पुलिस प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। बता दें कि घायल आरिफ की 4 नवंबर को शादी है और जिसको लेकर वे जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार निकला था। वहीं मौका देखते हुए आरोपियों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया।
बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के ड्यूटी के दौरान सिपाही की कुछ शरारती लोगों से कहा सुनी भी हो गई थी और जिसको लेकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया है। वहीं घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार निकला था सिपाही, जिस पर हमला किया गया है। चाकुओं से गोद कर सिपाही पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी थी और शादी के सामान की खरीदारी करने के लिए सिपाही बाजार निकला था और इस दौरान उस पर यह हमला हुआ है। अब हमले के बाद पुलिस प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अवधेश मल, क्या कुछ ये पूरा मामला है, सिपाही पर हमला किया गया है बाजार सरेआम? एक्चुअली हुआ यह है कि दुर्गा 7 तारीख को जो दुर्गा विसर्जन, दुर्गा जी का विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, आरिफ जो सिपाही है, आरिफ की ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें कुछ लोगों से जिनका नाम खुल कर लेकर कह रहा है तो कुछ लोगों से कहा सुनी हो गई मूर्ति को कि कुछ लोग अपना रोक रहे थे और अपना अपने हिसाब से चल रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए जल्दीबाजी करना चाहा, लेकिन इस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। कल वो अपने घर जाने की तैयारी में कुछ जरूरी सामान थोड़ा बहुत खरीद रहा था, उसी दौरान 3 लोग आए, 2 से 3 लोगों का कहा जा रहा है, जिसमें एक को पहचान रहा है और बाकी को वो नहीं पहचान रहा कौन थे। और बाजार में ही रास्ते में जो बाजार जा रहा था, वहीं इस पर हमला कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अवधेश मल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।